नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। ट्रांजिट स्पेशल इस विशेष कार्यक्रम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब आप अपनी जन्म कुंडी खोलते हैं तो उस पे लग्न चार्ट होता है, वो हमेशा वही रहेंगे, लेकिन जो गोचर है, जो हर पल बदल रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप आधे घंटे पहले खुश थे, अभी आप दुखी हो गए, अभी आप दुखी, आधे घंटे बाद खुश हो जाएंगे, लेकिन वो लग्न चार्ट से नहीं पता पड़ेगा, वो गोचर यानी ट्रांजिट से पता लगता है। इसी कड़ी में मंगल जो एग्रेसिव प्लैनेट है, वो मीन राशि में देवताओं के गुरु बृहस्पति के घर में रहेंगे और यहां पर 23 अप्रैल से 6 जून 2024 तक रहेंगे। इंसान के भीतर ज्ञान और विज्ञान और जितना भी कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी है, वो मंगल के अधीन आती है। और यह भी कहा जाता है कि मंगल की ये यात्रा अपने ज्ञान और स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ उत्साह, रोमांच और साहस आपको देने वाली है, क्योंकि अपने मित्र के घर में मंगल अपने स्वाभाविक गुण के अनुसार अवश्य फल प्रदान करने वाले हैं। यानी अगर मैं अपने घर में हूं तो सुखी हूं, लेकिन अपने परम मित्र के घर में जा रहा हूं तो भी मैं वहां सुखी और कॉन्फिडेंट रहूंगा, वैसे मंगल रहेंगे। मंगल से प्रभावित होने वाले व्यक्ति आमतौर पर क्रोधी ज्यादा होते हैं, उनके अंदर अहंकार आ जाता है, जिद्दी होते हैं और मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक ढंग से चलते हैं, और अगला ना चले तो ये क्रोध में आ जाते हैं। वहीं मंगल की अनुकूलता व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति पैदा करती है, जज्बा और जुनून पैदा करती है। जितने लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी और मेडिकल से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर मंगल की क्वालिटी ज्यादा होगी। जितने भी लोग पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, उनके पास मंगल होगा। जितने लोग राजनीति की, अगर उनके पास मंगल है तो वो बहुत अच्छा एडमिन कर सकते हैं। कठिन निर्णय भी वो बड़े आसानी से ले लेते हैं। और इसके साथ ही कुंडली में मंगल अगर कमजोर है तो इंसान निर्बल होगा, दुखी होगा, हर एक से चिड़चिड़ के बात करेगा, उसके साथ ही बहुत कम हो पाते हैं, वो टेक्नोलॉजी में कमजोर रहता है, उसको एंग्जाइटी बहुत ज्यादा रहेगी और ब्लड प्रेशर की तकलीफ रहेगी। तो अब आपकी राशि पर मंगल का मीन राशि में गोचर क्या करेगा, ये मैं इस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आप 27 अप्रैल को दिल्ली, 28 अप्रैल मुंबई, 29 और 30 अप्रैल को मैं लखनऊ रहूंगा। मई महीने में 4 और 20 मई को दिल्ली, 5 मई भोपाल, 11 और 25 मई को मुंबई रहूंगा, 12 मई को नागपुर, 18 मई अहमदाबाद, 19 मई बड़ौदा और सूरत के साथ 25 मई को पुणे रहूंगा। और 12 से लेकर 22 जून तक मैं लंदन, लेस्टर और बर्मिंगम यूके की यात्रा पर रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं, या मैं रोजाना ही टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट जुड़ता हूँ, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के लोगों के लिए मीन राशि में मंगल का जाना क्या फल प्रतिपादित करेगा। सबसे पहले तो देखिए, मंगल आपकी राशि के लॉर्ड है, जो आपका जो पर्सनैलिटी है उसका घर होता है। 8th हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का घर है, और 8th हाउस पराविद्याएं, जो जितने भी ऑकल्ट साइंस है, जितने भी गुप्त विद्याएं, नई कोई लैंग्वेज, नई कोई टेक्नोलॉजी सीखनी है तो सीखने का घर 8th हाउस होता है, क्योंकि कॉमन सेंस का घर भी होता है। इन दोनों के लॉर्ड बनकर मंगल रहेंगे 12th हाउस में। 12th हाउस यात्राओं का है, खर्चों का है, नाश का भी है। बिजनेस स्पेस में अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें क्रिएटिविटी और नया डेवलपमेंट, नई अर्निंग, नई लर्निंग के साथ बढ़ने वाली है। यानी कुछ नया सीख कर, अपना कर, छोटे जो लाभ है उसे नजरअंदाज नहीं करना है, छोटे छोटे जोखिम से बड़े लाभ आप कमा सकते हैं। इसके अलावा जितना फिरोगे इस टाइम पीरियड में उतना ही चरोगे, यानी ट्रेवल करके जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस में आप नई एक्टिविटीज क्रिएट करने वाले हैं। जॉब करने वाले लोगों के लिए न्यू एरा ऑफ करियर सामने आएगा, जो उम्मीद से बेहतर आपको रिजल्ट देगा। जॉब चेंज करने का यही सही समय है। फैमिली के कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी जा सकती है। इसके पीछे कारण क्या है, फैमिली हाउस के लॉर्ड शुक्र बनेंगे, वो भी मंगल के साथ विराजमान है। देवताओं के गुरु बृहस्पति हालांकि 1 मई से चेंज होने वाले हैं, लेकिन तब तक ये बड़ा आशीर्वाद आपको देने वाले हैं। आप हंसी खुशी के साथ जिम्मेदारी लेने वाले हैं और घर के शुभ और मांगलिक कार्यों में हिस्सा लेंगे। आपको जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएगी उसे आप पूरा कर पाएंगे। अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, फौज, प्रशासन की तैयारी कर रहे हैं, कोई वीजा की तैयारी करें, बाहर जाने की तैयारी करें, तो ये समय आपको सफलता देने वाले हैं। मीन राशि में मंगल का जाना घर में माता, भवन, भूमि, वाहन, इन्वेस्टमेंट, शुभ और मांगलिक कार्यों पर खर्चे करवाने वाले हैं। हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आएगी, उसका सॉल्यूशन खर्चे करके मिलने वाले हैं। आपके दुश्मन बढ़ने वाले, इस पर आपको लगाम लगानी है। जुबान पर जो बुरे शब्द लगाते हैं, बोलते हैं, उस पर लगाम आपको लगानी है। इसके अलावा लीगल कॉम्प्लिकेशन जितने भी है उनको आपको धीरे धीरे खत्म करना, नए दुश्मन नहीं बनाने, पुराने को भी गले मिलकर खत्म करिए दुश्मनी। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और हनुमान जी के पैर का सिंदूर अपने सिर पर लगाएं।
ऐसा हर मंगलवार करने पर मंगल ग्रह बहुत मजबूत होते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि में मंगल एक तो 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, दूसरा 7th हाउस। 12th हाउस खर्चों का है, घूमने फिरने का है, नाश का भी है, और भी बहुत सारी चीजों का, लीगल अवेयरनेस का है। और 7th हाउस बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर का होता है, यानी बिजनेस और मैरिटल लाइफ का घर हुआ। इन दोनों के लॉर्ड होकर अभी 11th हाउस में विराजमान, एक बड़ा प्लस पॉइंट है। इसमें 11th हाउस में मंगल का जाना, जॉब हो तो जॉब में चेंजेस, बिजनेस हो तो बिजनेस में चेंजेस, नए प्रीमिसेस लेना, नई टेक्नोलॉजी, नए लोगों के साथ जुड़ना, नई टीम हायर करने का मौका मिलेगा, इससे नई लर्निंग अर्निंग का काम करेगी। लर्निंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पंचम स्थान पढ़ाई का है, वहीं पर मंगल की दृष्टि है। तो आप जरूरी नहीं कि कोई कॉलेज में जाकर दाखिला लें, हम रोज अखबार भी पढ़ते हैं, कई तरह मैगजीन पढ़ते हैं, वैसे अपने फील्ड में मैक्सिमम ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे तो आप नई इनकम जनरेट कर पाएंगे। नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपके बिजनेस को रास आएगी, जिससे आप बिजनेस में उम्मीद से बेहतर रिजल्ट प्राप्त करेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए लंबे समय से अगर ट्रांसफर, जॉब चेंज या जॉब में चेंज की कोशिश सफलता नहीं दे रही थी, तो यह समय आपको देने वाली है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ रोमांच, रोमांस ये बढ़ने वाला है। एनर्जी लेवल आपका बढ़ने वाला है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, नई क्रिएटिविटी आपके अंदर आने वाली है, नया हुनर आप सीखने वाले हैं, नई लैंग्वेज सीखने वाले हैं, जो अभी तक आपने नहीं किया है वो सब आप करने वाले हैं। मंगल का रोग भाव से षडाष्टक दोष, महिलाओं को स्त्री जनित रोग हो सकते हैं, पेट और गुप्तांग से संबंधित तकलीफ हो सकती है, पुरुषों को हाई या लो ब्लड प्रेशर की तकलीफ होना, एंग्जाइटी, रात को ज्यादा जगना और प्रॉपर नींद नहीं आना, ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ये आपको बीमार कर सकता है। मंगल की धन भाव पर दृष्टि होने के कारण रुका हुआ पैसा प्राप्त करेंगे, इनहेरिटेंस, पैतृक संपत्ति के मामले हल होंगे, और जितने भी शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में आपकी बेहतर डील होने वाली है। लेकिन मंगल की जुबान के घर पर दृष्टि, जब तक आपका कोई भी काम पूरा नहीं होता है तब तक आप साइलेंट मोड में रहिए, किसी को ना बताएं, बताएंगे तो आपका काम बनेगा नहीं, बल्कि बनते काम बिगड़ जाएंगे, आपको ही आपकी नजर लग जाएगी। मंगलवार का व्रत करना चाहिए, एक समय बिना नमक के भोजन करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर बिना नमक के एक जाड़ी रोटी आपको उन्हें अर्पित करनी चाहिए, गुड़ और घी के साथ, और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से और हर मंगलवार करने से पुण्य मिलता है। आइए बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि में मंगल एक तो एक नंबर जो लिखा हुआ इनकम हाउस है, लाभ का घर है, प्रॉफिट का घर है, वहां के लॉर्ड बनते हैं, दूसरा छठे घर के लॉर्ड बनेंगे जो रोग, दुश्मनी और कर्जे का घर है। इन दोनों के लॉर्ड बनकर ये कर्म स्थान में विराजमान रहेंगे। माँ का आशीर्वाद और पिता की सलाह नहीं लोगे तो बहुत बड़ी गलती करोगे। नई टेक्नोलॉजी सीखना, काम में परिवर्तन लेकर आना, नया काम करना, नई जॉब करना, जॉब में ही कोई परिवर्तन करना, परिवर्तन ही आपको प्रॉफिट देंगे, ये याद रखिएगा। जो करते आ रहे हैं तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है, कुछ और पाना चाहते हो तो कुछ और करना पड़ेगा। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिजनेस को धन लाभ की आवश्यकता है, तो कहीं से पैसा बोरो करना, लोन लेने की आवश्यकता है, वो हो जाएगा, काम आगे बढ़ेगा, गति पकड़ेगा। इसके अलावा अनएम्प्लॉयड पर्सन इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के सहारे कुछ अच्छी जॉब प्राप्त कर पाएंगे। आपका हुनर बोले, आप नहीं बोले, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो यही सही समय है। इसके अलावा मंगल की चौथी दृष्टि आपके राशि पर है, जिस वजह से थोड़ा गुस्सा आपको ज्यादा आएगा और इस वजह से आपके बुरे शब्द निकलने वाले हैं, इस पर ध्यान देना, थोड़ा अहंकार भी आ सकता है, जलन की भावना भी यहाँ पर रहेगी। और पंचम स्थान पर दृष्टि होने के कारण आप अगर जॉब कर रहे हैं उसके साथ कुछ पढ़ना चाहते हैं, वेबिनार सेमिनार का हिस्सा, तो आपके लिए शुभ रहेगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ कोई जॉब करना चाहते हैं तो परफेक्ट समय है। यंग कपल्स रिलेशनशिप में है तो मीटिंग आपकी ऐसी होगी जो लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बना सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने हुनर के साथ साथ अपनी पढ़ाई और अपने काम में ऐसा दमखम दिखाएंगे कि परचम लहरा देंगे। सेहत को लेकर पुराने रोग वापस आ सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए आपको कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है, जेब भी ढीली होनी पड़ सकती है, इस पर ध्यान देना होगा। शनि और मंगल का 2-12 का संबंध है, जिस वजह से कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, किसी से झगड़ा फसाद लंबा हो सकता है, इससे बचना होगा। मंगलवार के दिन लाल वस्त्र लेकर उसमें 2 मुट्ठी मसूर की दाल डालकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को उस दक्षिणा के साथ दान कर दीजिए। हनुमान जी का जो भारी वाला सिंदूर है वो माथे पर मंगलवार को जरूर लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आइए बात करते हैं अब कर्क राशि की। कर्क राशि में मंगल एक तो कर्म स्थान के लॉर्ड बनते हैं, जो पिता का घर भी होता है, और दूसरा पंचम स्थान जो कि एजुकेशन का है, लव पार्टनर का है, संतान का है, एंटरटेनमेंट का भी है। इन दोनों के लॉर्ड बनकर भाग्य स्थान में विराजमान है। जितने भी लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, उनकी जॉब में परिवर्तन या उनकी जॉब में कोई हायर मैनेजमेंट चेंज हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। बिजनेस करने वाले लोगों को बिजनेस में मार्केटिंग, सेल्स, परचेस और सोशल मीडिया पर इसको प्रचार प्रसार करना, इस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर कुछ नई टीम हायर करनी चाहिए।
पिता की सलाह और माताजी का आशीर्वाद से ज्यादातर काम आपके बन जाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन की गुडविल बढ़ेगी जिससे आपका इंक्रीमेंट अब बढ़ सकता है। ट्रांसफर और जॉब में प्रमोशन की फाइल अगर अटकी हुई थी वो आगे बढ़ेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ परिस्थितियां समझ कर निर्णय लेना होगा। टेक्निकल एजुकेशन, लॉ के स्टूडेंट और मैनेजमेंट के स्टूडेंट के लिए ये समय बहुत शानदार है। मेंटल स्ट्रेस अगर आपको कोई दे रहा है घर में या बाहर, तो ऐसे लोग और ऐसे एनवायरमेंट से आपको दूरी बना लेनी चाहिए, नहीं तो ये आपको परेशान करेगा। जुबान के घर से मंगल का जो षडाष्टक दोष है, इस वजह से आपके अहंकार या जुबान से बुरे शब्द आपके दुश्मन बना सकते हैं या अपनों से ही आपको बेगाना कर सकते, इससे आपको बचना होगा। और इसके अलावा विदेश यात्राओं के घर पर दृष्टि है, तो जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस के लिए जितना आप ट्रैवल करोगे, नए लोगों से मिलोगे, उतना ही आप चरोगे, उतना अच्छा मिलेगा लाभ। परिवार, दोस्तों और प्रोफेशनल ट्रिप अब संभव है। इसको ऑर्गेनाइज तरीके से करोगे तो बिजनेस विद प्लेजर ट्रैवल में होने वाला है। मंगलवार के दिन थोड़े भुने हुए चने, थोड़ा सा गुड़ मिलाकर बंदरों को खिलाए, इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ही आपकी परेशानी दूर करने का आशीर्वाद मिलता है। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि में मंगल पहले तो भाग्य स्थान के लॉर्ड हैं, ये एक नंबर जो लिखा हुआ है, और दूसरा आपके जो आठ नंबर लिखा हुआ है कुंडली का फोर्थ हाउस होता है, जो हमारे माता जी का है। ओन प्रॉपर्टी, ओन व्हीकल, सुख सुविधाओं का घर है। इन दोनों के लॉर्ड बनकर ये एट्थ हाउस में मंगल विराजमान होने वाले हैं। भाग्य के भरोसे आपको नहीं रहना है, क्योंकि भाग्य अभी आपके भरोसे रहने वाला है कि आप कुछ करेंगे तो वो आपका साथ देंगे। पहला काम तो आपको ये करना है। लेकिन अगर आपने किसी की मदद की है, धर्म कर्म के काम किए हैं, कोई पुण्य काम किए, तो वो अब आपको पुण्य फल देने वाले हैं। एट्थ हाउस का मंगल, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कुछ भी करने से पहले रिसर्च और कुछ भी बोलने से पहले सोचना, यही आपको आगे रखेगा। इसके अलावा यहाँ पर अंगारक दोष भी बनेगा, जड़त्व दोष भी बनेगा। इसकी दृष्टि जुबान के घर पर है, आप अपनी जुबान से कुछ खराब करने वाले हैं, इससे आपको बचना होगा। चाहे बिजनेस करते हैं तो ग्राहक से उलझ बैठेंगे, जॉब करते हैं तो बॉस से, कलीग से उलझ बैठेंगे। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए कि आप ऐसा कोई काम नहीं करें। इसके लिए अच्छी वॉक करें, योग और प्राणायाम करें, मन आपका शांत रहेगा। कुछ नया सीखना, अपने हुनर को और तराशने का आपको मौका मिलने वाला है। बिजनेस पर्सन अपने बिजनेस में कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर ध्यान दे, और याद रखिएगा उस इंसान को दुकान खोलने का अधिकार नहीं है जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट और जुबान में अच्छे शब्द ना हो। वरना किसी ग्राहक की आफ्टर सेल सर्विस पर ध्यान न देना आपको लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंसा सकता है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। इसकी 11th हाउस पर दृष्टि है, तो आप नए इनकम सोर्स के लिए अब तैयार हो जाएं। और अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए प्लेसमेंट एजेंसीज वरदान साबित हो सकती है। जॉब मिलने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन ट्रांसफर होना, जॉब में परिवर्तन होना या स्थान परिवर्तन होने के पूरे चांसेस हैं, इस पर ध्यान दीजिए। कोई आपको मिसगाइड इस महीने करने वाला है, तो दूसरों की सुनिए पर करिए अपने मन की, लेकिन सेल्फ स्टडी पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, रिसर्च और डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे। आपकी पढ़ाई बोले, आप नहीं बोले, मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ साथ लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ शक पैदा हो सकता है। किसी तीसरे की एंट्री घर में और बाहर झगड़े फसाद का कारण बनेगी। आपका पैसा फंसना, नुकसान और धोखा कोई करवाएगा, खर्चे बढ़ जाएंगे और दिखावे में कर्जा भी बढ़ सकता है, इस पर लगाम आपको लगाने की सख्त जरूरत है। इसके अलावा हायर एजुकेशन, जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए आपको बाहर जाना है, तो आपको टेक्निकल गलती, चाहे वो वीजा हो या कोई फॉर्म फिल करना, उस पर करने वाले, तो मैंने आपको एडवांस में बता दिया, इस पर आपको ध्यान देना है। सेहत को लेकर डाइट चार्ट को फॉलो करें और रात को जल्दी सोना चाहिए, वरना हाई या लो ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी, ये आपको परेशान कर सकती है। इंसोमेनिया की बीमारी भी आपको दे सकते हैं। जितने भी लोग मेडिकल और टेक्नोलॉजी जुड़े हुए हैं, उनका काम बोलने वाला है और कुछ नया हुनर भी आपको सीखने मौका मिलेगा। जितने लोग कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग से जुड़े हुए, उनको लाभ मिलेगा। शुक्र भी परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिस वजह से फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट वाले लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। टूर्स एंड ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए कुछ नया करने का आपको मौका मिलेगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाएं, पान के साथ इत्र की पुरेरी भी अर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर मानसिक रूप से हनुमान जी से अपने कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना करिए, आपका कल्याण होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि मंगल है तो एट्थ हाउस के लॉर्ड बनेंगे, जो आयु का है, चोट दुर्घटना का भी है, मति का भी है, कॉमन सेंस का है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नई विद्याएं सीखने का है। इसके अलावा मंगल थर्ड हाउस के लॉर्ड है, जो भाई बहन, डिग्निटी, ऑरा, कॉन्फिडेंस का घर है। इन दोनों के लॉर्ड होकर भी ये सेवंथ हाउस में विराजमान होने वाले हैं। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, जिस वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका ड्रेसिंग सेंस, बात करने का अंदाज थोड़ा निराला रहेगा। आप पति है तो पत्नी की सलाह, पत्नी है तो पति की सलाह आपके बहुत काम आएगी, लेकिन आप वो नहीं मानेंगे तो बाद में आपको मानना ही पड़ेगा, इस पर आपको सोचना चाहिए। कर्म स्थान पर दृष्टि, पिता की सलाह और माँ का आशीर्वाद बहुत काम आएगा। इसके अलावा आपकी जॉब चेंज होना, जॉब में आसपास कुछ वातावरण चेंज हो सकता है, हायर मैनेजमेंट चेंज हो सकता है, कुछ परिवर्तन आपके लिए
शुभता लेकर आएंगे। बिजनेस पर्सन के लिए समय अनुकूल है नए बिजनेस को करने, पुराने अटके लटके भटके काम को पूरा करने के लिए। सरकारी महकमे से जुड़े हुए ठेके और ऑर्डर के लिए काम अच्छा हो सकता है। वर्किंग प्रोफेशनल्स टाइम की अहमियत को समझें, वरना परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फैमिली लाइफ के लिहाज से गोचर एक नया सवेरा लेकर आएगा। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स हायर एजुकेशन के लिए कॉम्पिटिशन के तैयार रहें, कभी भी आपको मौका मिल सकता है। इसके अलावा धन भाव पर दृष्टि, रुका हुआ पैसा प्राप्त करना, पैसे को जो शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में डील करने में मौका मिलेगा, बड़ा पैसा आप कमा सकते हैं। मस्ती मजाक में दुर्घटना, मंगलवार शनिवार को रात को कोई चोर दुर्घटना हो सकती है। किसी और की गाड़ी आपको नहीं चलानी चाहिए, अपनी गाड़ी किसी को चलाने के लिए नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा ये जड़त्व दोष आपके गलत संबंध भी बना सकता है, गलत दोस्ती, गलत कोई रिश्ते, फिर आपको गिल्ट फील होगा, तो आप ऐसा कोई भी एडवेंचर नहीं करें। मंगलवार के दिन एक लाल कपड़े में मसूर की दाल, 5 लाल फल, गुड़, 1 मीठा पान, 10 ग्राम लौंग और कुछ दक्षिणा के साथ सिंदूर आप बांधकर हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। ऐसा 7 मंगलवार करिए, मंगल ग्रह मजबूत होंगे, सुख समृद्धि का बड़ा आशीर्वाद आपको मिलेगा। आइए बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि में मंगल 7th हाउस, जो कि पति पत्नी का बिजनेस पार्टनर यानी बिजनेस और मैरिटल लाइफ का घर है। इसके अलावा ये धन भाव, पैतृक संपत्ति, ग्रैंड पेरेंट्स का आशीर्वाद का घर भी है। इन दोनों के लॉर्ड होकर अब मंगल 6th घर में विराजमान रहेंगे, जहां ये अंगारक दोष और जड़त्व दोष से ग्रसित रहेंगे। पुराना कोई रोग वापस आ सकता है, पुराने दुश्मन वापस आ सकते हैं, कर्जा बढ़ सकता है, पैसा फंसना, नुकसान और धोखा, अपना ही कोई आपको धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है। तो आंख बंद करके जिस पर भरोसा करेंगे, आपकी आंखें खोलने का काम भी वही करेंगे, इसलिए ऐसा कोई काम आपको नहीं करना है। भाग्य स्थान पर दृष्टि, पहले कोई पुण्य किए, इन्वेस्टमेंट किए, वो भाग्य आपको अच्छे रिजल्ट अब देने वाले हैं। इसके अलावा जितना फिरोगे उतना चरोगे। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में स्टूडेंट है, आर्टिस्ट है, तो नए नए अनुबंध, नए लोगों से मुलाकात आपको बहुत कुछ सिखाएगा। और बिजनेस पर्सन को अपने आर्टिकल, अपने जितने भी प्रकार के प्रोडक्ट है, उनकी सोशल मीडिया पर अच्छे ढंग से मार्केटिंग करनी चाहिए, प्राइसिंग वापस तय करनी चाहिए। और कोशिश करें कि आप अपने जो आसपास के लोग हैं, टीम को हायर करें, उन्हें मजबूती के साथ मोटिवेशन दीजिए। आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी, जिस वजह से हायर ऑफिशियल के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ आप अपने काम की और ग्रोथ की बातें शेयर करेंगे, जिससे आपकी अप्रोच बढ़ेगी। रिलेशनशिप में और फ्रेंडशिप में आपके नए दोस्त बनने वाले हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा भरोसा किसी पर भी नहीं करें। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने काम पर ध्यान दें, कोई भी काम जल्दीबाजी में डिस्टर्ब कर सकता है। पुराना रोग वापस आ सकता है, हाई या लो ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी, यह परेशान करेगी, घुटनों का दर्द वापस आ सकता है, इम्यूनिटी को कमजोर कर सकता है। इसके अलावा इतना आपको ध्यान रखना है कि लीगल अवेयरनेस रखें, अगर किसी से कोई झगड़ा फंसा तो उसे खत्म कर दीजिए, झगड़े को खत्म करना है, उस इंसान को नहीं। दूसरा, आगे के लिए लीगल अवेयरनेस रखिए। और मंगलवार के दिन अभिमंत्रित दक्षिणावर्ती शंख में थोड़ा जल और थोड़ा गंगा जल मिलाकर प्रातःकाल आपको हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना चाहिए। और इसके अलावा हनुमान चालीसा का नित्य और मंगलवार को 3 बार जाप करने से पुण्य मिलता है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि यानी आपके राशि के लॉर्ड और 6th घर, जो कि रोग, दुश्मन और कर्जे का घर है, इन दोनों के लॉर्ड बनकर अब ये 5th स्थान में आपके विराजमान रहेंगे। आप नहीं आपका ज्ञान बोले। और इसके साथ साथ जो लोग पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी करें, उनके लिए अच्छा समय है। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट जो सर्विस करना चाहते हैं, उनको अच्छी सलाह मिल सकती है, अच्छी सीख मिल सकती है। अगर आप गर्भवती हैं तो ध्यान रखना है, आप गर्भ धारण करना चाहती तो और ज्यादा आपको ध्यान रखना है। इन दोनों पर आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जड़त्व दोष और अंगारक दोष संतान के गर्भ है। संतान की बेहतर परफॉर्मेंस न होना, संतान का गलत चीजों में इन्वॉल्व होना, संतान का अपनी जिंदगी को लेकर लापरवाही का रवैया आपके घर के वातावरण को खराब करने वाला है। तो आप संतान पर जरूर ध्यान दीजिए, संतान कहीं ऐसा ना हो कि गलत चक्रों में फंस जाए, बाद में आपको परेशानी हो। इसके अलावा जो स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, वो लापरवाही, लेट लतीफ और ओवर कॉन्फिडेंस में परेशान होंगे। पार्टनरशिप बिजनेस में अगर आप पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं रखेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग अपने आप आ जाएगी। प्रोफेशनल लेवल पर कुछ परेशानी आ सकती है, आप अपने स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी पर विश्वास रखें, सॉल्यूशन मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी, कोई गलत काम नहीं करना है, नए स्किल सीखना, नया टैलेंट सीखना, ये सब के नए रास्ते आपके खुलने वाले हैं। इसके अलावा नए इनकम सोर्सेज जनरेट करने का काम आपको करना चाहिए। फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सलून, जिम वाले लोगों के लिए शानदार समय है। आप जो कोई भी काम करते हैं उसमें टेक्नोलॉजी का भरपूर साथ लीजिए, ताकि आप खुद सीखें तो किसी पर मोहताज रहने का काम नहीं करना पड़ेगा। समय पर भोजन, समय पर नींद और अच्छा म्यूजिक आपको बहुत खुश करेंगे।
रोज सुंदरकांड का पाठ करना, नहीं तो मंगलवार को करना, रोज हनुमान चालीसा या हनुमानाष्टकम का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभ लाभ लाने वाला है। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि में सबसे पहले तो मंगल पंचम स्थान आपके पढ़ाई संतान सुख एंटरटेनमेंट के घर के लॉर्ड है। दूसरा बारहवां घर जो कि ट्रेवल का भी है, नाश का भी है, खर्चे का भी है, इन दोनों के लॉर्ड होकर फोर्थ हाउस में विराजमान रहेंगे। माता जी का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा क्योंकि आपकी माता जी आपको जो आशीर्वाद देगी उससे आपके काम बनेंगे, लेकिन माता जी को खुद को हेल्थ की और मानसिक तकलीफ बढ़ने वाली है, इस पर ध्यान देना है। पिता से आपके झगड़े फसाद या पिता को कोई तकलीफ आ सकती है, इस पर पहले से ही आपको चिंतन और मंथन करना चाहिए। इसके अलावा आपका ब्रांड प्रीमियम क्वालिटी के साथ अच्छे क्लाइंट की पसंद बनेगा। आपको अपने काम में परिवर्तन जरूर करना चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की अटकी लटकी भटकी फाइल अब आगे बढ़ेगी। मैरिड कपल रोमांच और रोमांस का आनंद लेंगे। बच्चों परिवार दोस्तों के साथ ट्रैवल करने का खूब मौका आपको मिलने वाला है। खर्चे बहुत होने वाले हैं, लेकिन नया इनकम सोर्सेज भी यहाँ पर मंगल जनरेट करने वाले 11th हाउस पर देखकर जॉब चेंज प्रोफेशन में कुछ नया परिवर्तन करना शुभ रहेगा। बिजनेस में प्रीमिसेस चेंज करना, अपनी दुकान ऑफिस फैक्ट्री को लेना या उसमें परिवर्तन करना आपके लिए शुभ रहेगा। बस जल्दीबाजी इस महीने मत करिएगा, प्रॉपर प्लानिंग के साथ करोगे तो अच्छा रहेगा। रेगुलर स्टडीज से स्टूडेंट का विजन क्लियर होगा और अगर आप सेल्फ स्टडी पर ध्यान देते हैं तो फ्यूचर के गोल आप सेट कर पाएंगे। परिवार में किसी सदस्य के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कोई रोग या शोक के समाचार आपको परेशान करेंगे। पुरानी गाड़ी, पुराना मकान या पुरानी कोई भी चीज बेचकर नई चीजें लेने का मन करेगा। कर्जा बढ़ सकता है, इस पर आपको अलर्ट रहना चाहिए। इसके अलावा घर में शुभ और मांगलिक कार्य होना, अच्छे दोस्त मिलना और लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने का मौका मिलेगा। अगर आप पति हैं तो पत्नी की सलाह, पत्नी है तो पति की सलाह आपके बहुत काम आएगी। मंगलवार के दिन ओम क्राम क्रीम क्रोम सब ओमाय नमः ये एक बार जाप करके निकलने पर घर में शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं। आइए बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के तो सबसे बड़े दुश्मन है मंगल, लेकिन यहाँ ये समझ लीजिए कि फोर्थ हाउस जो कि माता जी का है, ओन प्रॉपर्टी ओन व्हीकल है, इन दो इसके लॉर्ड बनते हैं मंगल और इनकम हाउस के लॉर्ड मंगल बनकर थर्ड हाउस में विराजमान रहेंगे। भाई बहनों को कोई तकलीफ या भाई बहनों से आपको कोई तकलीफ हो सकती है, इस पर आपको कोशिश करनी चाहिए कि चिंतन और मंथन करें। मेडिकल लॉ और मैनेजमेंट से जुड़े हुए स्टूडेंट के लिए ये शानदार समय और इससे जुड़े हुए बिजनेस करने वाले लोगों को ग्रोथ मिलेगी। प्रोफेशनली जो लोग काम करते, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, डॉक्टर है, एस्ट्रोलॉजर्स है, उन लोगों को नए क्लाइंट मिलेंगे, ट्रैवल करने का मौका मिलेगा और वर्क प्लेस पर प्रोफेशनली आप बेहतर काम कर पाएंगे। नए जो ट्रेनिंग वेबिनार सेमिनार का आप हिस्सा बनने वाले हैं। फैमिली लाइफ में थोड़े उतार चढ़ाव जरूर आएंगे, ध्यान रखना होगा। पुराना रोग वापस आ सकता है, पुराने दुश्मन आपके जनरेट हो जाएंगे, ध्यान रखना, मतलब वापस आपको दुखी करने के लिए आ सकते हैं, तो अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए आप प्रयास करिए। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स ओवर कॉन्फिडेंस में फर्स्ट वाले से परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। मेंटल स्ट्रेस कोई देने वाला है, आप लेने का कोई काम नहीं करें। इसके अलावा आपको अपने जॉब में प्रोफेशन में बिजनेस में परिवर्तन, टेक्नोलॉजी हो, प्रीमिसेस हो या फिर लोगों के बीच हो या नई टीम को हायर करना है, ये आपको करना ही होगा, इसी से लाभ मिलेगा। अपनी स्किल को पहचान कर आगे की रणनीति बनाएं, अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपने वीकनेस को घटाइए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने एक नारियल अपने सिर से 7 बार उबार कर वहीं फोड़ दीजिए और कुछ प्रसाद खुद कुछ घर ले आए और बाकी आसपास में बांट दीजिए, बेड़ा पार करेंगे हनुमान जी। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में मंगल सबसे पहले तो कर्म स्थान और पिता के घर के लॉर्ड बनते हैं और दूसरा बनते हैं थर्ड हाउस जो कि भाई बहन का घर होता है। इन दोनों के लॉर्ड बनकर ये धन भाव, ग्रैंड पेरेंट्स का आशीर्वाद, पैतृक संपत्ति घर में विराजमान रहेंगे। आपके बिजनेस पे इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलेंगे। वो आइडिया आपको नहाते वक्त भी मिल सकते हैं, गाड़ी चलाते वक्त मिल सकते हैं। नहा रहे शॉवर बंद करके आइडिया नोट करिए, गाड़ी चला रहे गाड़ी रोककर आइडिया नोट करिए, क्योंकि एक आइडिया आपका महीना बना देगा। और यहाँ पर धन भाव में रहने की वजह से पुराने पैसे वापस आपके पास आ सकते हैं, कोई जमीन जायदाद अच्छी डील हो सकती है, शेयर बाजार वायदा बाजार जमीन जायदाद पर बेहतर आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और फ्यूचर में आपके लिए बड़े लाभ के अवसर लेकर आएंगे। प्रोफेशनल लाइफ में आपको नेम एंड फेम मिलेगा और पॉजिटिव न्यूज आपके लिए आने वाली है। आपकी पढ़ाई और आपका काम बोलेंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाकर रिलेशन सुधारेंगे। लव एंड अफेक्शन पीस एंड हार्मनी आपके बढ़ने वाली, नए दोस्त नए सोशली आपको लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। नई विद्या सीखना, ऑकल्ट साइंस गुप्त विद्याओं की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ने वाला है, यहाँ ये लाभ आपको देंगे। स्टूडेंट की लर्निंग एबिलिटी बढ़ेगी जिससे उनके रिजल्ट में भी सुधार आएगा। आपके परिवार के लिए हेल्थ के हिसाब से ये समय बहुत अच्छा है, बस आप ज्यादा से ज्यादा अपना ख्याल रखिए। इसके अलावा भाग्य के भरोसे आपको नहीं बैठना, लगातार कर्म स्मार्ट वर्क के साथ साथ करना है, भाग्य खुद आपका साथ देंगे। मंगलवार के दिन 11 पीपल के पत्तों पर गंगा जल से पहले साफ धो लीजिए,
हनुमान जी के भारी वाले सिंदूर से श्री राम लिखकर उनकी माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से कई तरह की समस्याओं का शमन हो जाता है। आइए बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि में मंगल सबसे पहले तो आपके धन भाव, पैतृक संपत्ति, ग्रैंड पेरेंट्स के आशीर्वाद का घर है और जो 8 नंबर लिखा हो भाग्य का घर है। इन दोनों के लॉर्ड होकर अब आपकी राशि विराजमान है। आपकी ड्रेसिंग सेंस, बात करने का अंदाज निराला रहेगा। आप देखते ही आपके चेहरे पर चमक नजर आएगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, पर्सनैलिटी भी निखार आएगा, इससे अहंकार भी साथ में आएगा। इससे बच रहे हैं गुस्सा, जुबान खराब होना, डांटना और चिड़चिड़ा स्वभाव, ये सब भी साथ में आपको मिलने वाला है। बिजनेस कैपिटल भी इजाफा होगा। नई ग्रोथ के लिए नई प्रीविजेस लेना, पुरानी चीजों को बेचकर नई चीजें खरीदने का मौका मिलेगा। वर्क प्लेस पर टाइम का प्रॉपर मैनेजमेंट करना आपके लिए सफलता का सूत्र बनने वाला है। फैमिली लाइफ में परिवार के साथ लिए गए फैसले सक्सेस दिलाएंगे। माता जी के आशीर्वाद से बड़े काम होंगे, लेकिन माता जी की सेहत पर ध्यान आपको ज्यादा देना है। पति है तो पत्नी है तो पति की सेहत डिस्टर्ब होने वाली, इससे बचना होगा। हायर एजुकेशन, जॉब, प्रोफेशन के लिए ट्रैवल करना होगा और कहीं वीजा के लिए अप्लाई करना है, कोई फॉर्म फिल करना है, तो ये समय आपको नया और अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है। सेहत के लिहाज से समय अच्छा नहीं है, पुराने रोग वापस आ सकते हैं। रात को देर तक जगना, एंग्जाइटी, हाई या लो ब्लड प्रेशर आपको परेशान करेगा, तो हेल्दी डाइट ही आपको खुश रख सकती है। नई विद्याएं सीखना, नया कोई गुण सीखना या गुर सीखने का मौका मिलेगा, गुप्त विद्याएं सीखने का आपको मौका मिलेगा। आप अपने फील्ड में मैक्सिमम ज्ञान लीजिए और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान लीजिए, महफिल की शान बन जाएंगे। टेक्नोलॉजी, लॉ और मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत शानदार समय है। जितने लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको टेक्नोलॉजी और मैन पावर की तकलीफ आ सकती है, लेकिन जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय। विदेश व्यापार वाले लोगों के लिए बेहतर ऑर्डर मिलने वाले। मंगलवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हनुमान जी को गंगा जल से अभिषेक करने के बाद वहीं पर बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से कई तरह के दुखों से मुक्ति मिल जाती है। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव। अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे, ना केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।